Cause I just wanna go, go, go to the deep end. इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है टेक्नो का पॉप 7 प्रो। इस फोन के अंदर फोटो या वीडियो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हाइड करना या फिर ऑडियो को हाइड करना चाहते हो, एप्स को हाइड करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में आप जानोगे कैसे हाइड कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स इस फोन में आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा फोन मास्टर नाम का। इस एप्स को सर्च करके ओपन कीजिए। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉलेट। इस वॉलेट पर आप क्लिक कीजिए। वॉलेट पर क्लिक करेंगे आपको एक पासवर्ड सेट करना रहता है, एक एक्सेस कोड आप यहां पर बना सकते हो। एक्सेस कोड में आप हैश भी लगा सकते हो और मर्जी चाहे लॉक को डाल सकते हो। एग्जांपल के लिए यहां पे आपको बता दे रहा हूं, यहां पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आपको डालना है। तो अब आप देखोगे आपको अगर फोटो हाइड करना है तो फोटो के लिए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ प्राइवेट एल्बम देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पर जाएंगे। जितने भी फोल्डर होंगे आपके इस फोन के अंदर तो वो गैलरी आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। उस फोल्डर में अब आप चले जाइए जिसमें से आपको फोटो हाइड करना है। अगर स्क्रीनशॉट फोल्डर में से हाइड करना है तो यहाँ इस तरह से क्लिक कीजिए। एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है और कन्फर्म कर देना है। तो ये फोटो आपका हाइड हो चुका है। इसी तरीके से सेम आप वीडियो को हाइड कर सकते हो। वीडियो के लिए आपको यहाँ से वापस आना है। वीडियो के लिए वीडियो पर क्लिक कीजिए। जितने वीडियो होंगे जब आप प्लस पर आइकन पर क्लिक करोगे वो सभी आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप वीडियो को भी इस तरह से क्लिक करके कन्फर्म कर दीजिए तो वीडियो भी आपकी हाइड हो जाती है। बैक बटन को प्रेस करने पे आप यहाँ पे अपने किसी ऑडियो को हाइड कर सकते हो। किसी डॉक्यूमेंट्स को हाइड करना है तो यहाँ क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हैं। एप्स को हाइड करना तो हिडन एप्स पर क्लिक करके आप उसको भी हाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं इनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, अनहाइड करना है तो अनहाइड कैसे कर पाओगे। तो आपको स्क्रीन पर आ जाना है, स्क्रीन पर टू फिंगर लेके आपको अप करना है। जैसे आप अप करेंगे आपके सामने एक कोड आएगा, जो भी आपने कोड बनाया था वो यहाँ पर डाल दीजिए तो आपके हिडन एल्बम में यहाँ पर खुल जाएगी, मतलब वॉलेट खुल जाएगा। फोटो को देखने के लिए यहाँ से आप फोटो को देख सकते हो। अनहाइड करना चाहते हो तो उसी फोटो पर क्लिक कीजिए जो अनहाइड करना है और यहाँ एक्सपोर्ट के लिए क्लिक कर दीजिए। जहाँ से उठाया था वहीं वापस ये चला जाएगा। सेम इसी तरीके से आप वीडियो को अनहाइड कर सकते हो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट्स को भी अनहाइड कर सकते हो, और यहाँ तक कि अगर कोई आपके एप्स हाइड हैं तो उनको भी सेम इसी तरीके से आप हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो। ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो में जान के अच्छा लगा हो कैसे आप इस फोन के अंदर किसी भी फोटो और वीडियो को कैसे हाइड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।